Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें wifistudy channel को. और अच्छे video और courses के लिए description में दिए गए link के द्वारा भी आप हमें follow कर सकते हैं. Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में. तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, जैसा कि आपको कल मैंने बताया था, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको टेस्ट की तरह ट्रीट करें पूरे, और बहुत बेसिक पेपर होगा दोस्तों. जैसा कि देखो, मैंने आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाए सारे न्यूमेरिकल्स करवाए थे. जब अच्छे न्यूमेरिकल्स करवाए थे तब बच्चे बोल रहे थे इतने सिंपल क्वेश्चन थोड़ी आते हैं. तो जैसे भी आते हैं, अगर आप वैसे न्यूमेरिकल्स आ भी गए तो मैंने आपको वहां पर सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लिया. अब जैसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं बहुत बेसिक वैसे मैं आपको करवा दूंगा, क्लियर? तो बहुत बेसिक पेपर आते हैं, मैंने आपको वैसे ही क्वेश्चन लिए हैं एएलपी जैसे, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है. और वहां पर फिर हम एक अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हम लोग टेस्ट लेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल का भी लेंगे एक बार, क्लियर दोस्तों? तो बताइए कैसे हो सबके सब. और बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं लेंगे, जिससे आपका भी टाइम आप जिससे रिवीजन कर सको बाद में, और मंडे से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों? तो क्या आप तैयार है? जल्दी से एक बार थम्स अप करके बता दीजिए दोस्तों, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज के पहले क्वेश्चन के साथ. जल्दी से जवाब देते रहना, बिल्कुल चुटकियों में आना चाहिए, एक एक सेकंड का भी नहीं है आंसर. देखिए देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, एक घन फुट में कितने लीटर होते हैं? एक घन फुट में, यानी किसकी बात कर रहा है दोस्तों ये? एक घन फुट का मतलब क्या है? एक घन फीट में. अब इसमें बोल रहा है दोस्तों, आपको पता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, फीट क्यूब, ये सब क्या है? वॉल्यूम की यूनिट होती है. आयतन की क्या होती है दोस्तों? इकाई. तो एक घन फुट में दोस्तों कितने लीटर होते हैं? तो दोस्तों आपको सीधे याद रखना है 28.316 मीटर, क्लियर? 28.316 मीटर, ये मैंने आपको बताया भी था कि आपको बिल्कुल डायरेक्ट याद होना चाहिए. तो इसकी शायद इसको बस इसको हिंदी पढ़ लीजिए एक बार इसकी, कि एक घन फुट में कितने लीटर होते हैं दोस्तों, कि एक घन फुट में कितने लीटर होते हैं और कितने आते हैं 28.316, क्लियर दोस्तों? हाँ, डी आ जाएगा, आपको मैंने बोला भी था, आप याद रख लीजिए, क्लियर दोस्तों? चलते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए जल्दी से. आपको मैंने बताया था दोस्तों एक मीटर क्यूब में कितना होता है लीटर में, और मीटर क्यूब में क्या रिलेशन होता है दोस्तों? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि एक किसके बराबर होता है, जल्दी से बताइए. बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो एक मीटर क्यूब बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों आपका सी. एक मीटर क्यूब किसके बराबर होता है दोस्तों? 1000 लीटर के, क्लियर दोस्तों? सही है. चले आगे, आगे चलते हैं, बहुत बेसिक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें. सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, बस आपको याद रखना है कितनी चीजें आपको याद है. देखो ये होता है दोस्तों एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई होती है. अब आप बोलेंगे एंगस्ट्रॉम सर ये तो आपने बताया नहीं. देखो एंगस्ट्रॉम क्या होता है दोस्तों, पहली बात तो ये लंबाई का मात्रक होता है. किसका मात्रक होता है? लंबाई का. पहले तो ये बताता हूं, ठीक है? लेकिन हाँ बहुत सही है, चलो आप जानते भी होंगे. तो ये किसका मात्रक होता है दोस्तों? लंबाई का मात्रक होता है. ये चीज मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ये शायद चीज मैंने बताई नहीं थी, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं जो चीज नहीं बताऊंगा क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर लूंगा दोस्तों. जो एंगस्ट्रॉम होता है ना वो लंबाई का मात्रक होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 10^-10 मीटर. तो आपको याद रखनी है, कई बार ऐसे भी पूछ लेता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर होता है और ये किसका मात्रक है दोस्तों. ऑब्वियसली मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का, क्लियर दोस्तों? चले आगे, बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 10^12 क्या कहलाता है? 10^12 क्या होता है दोस्तों? आपको याद हो तो हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा था, जल्दी से बताइए दोस्तों. आपको पता है दोस्तों गीगा क्या होता है? गीगा क्या होता है? 10^9. बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपको याद हो तो दोस्तों हम लोगों ने ऐसे याद भी किया था 10^18, 10^15, 10^12, 10^9. तो दोस्तों यदि आपको याद हो तो हमने कैसे याद किया था? इसमें पूरा 13 घाटा. तो ये हमारा फ्रेंड्स एक्सा था, इसमें ये पेटा बना था हमारा,
इसमें 13 और ये दोस्तों गीगा, तो 10 की घात 12 दोस्तों क्या होता है 13 होता है, क्या होता है 13। क्लियर, सही जवाब आपका, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल टाइम लगाना, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, जल्दी से बताइए, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना आपको, एक सेकंड का भी टाइम नहीं लगाना आपको दोस्तों, देखिए जल्दी से। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था आपका बी आएगा सबका, किसी का बी आ रहा है। एक मील किसके बराबर होता है, जल्दी से आएगा और आप हम लोग किस पे टिक कर देंगे, बी पे, लेकिन ये थोड़े से हो जाएगी गलती। गलती कैसे हो जाएगी दोस्तों, आपको पता है एक किलोमीटर में कितना होता है 0.621 माइल्स होता है, ठीक है ना, मील बोल लीजिए हिंदी में। तो दोस्तों एक मील में क्या होगा, एक मील में क्या हो जाएगा 1/0.621, बताइए दोस्तों होगा नहीं होगा, हो जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 1.609 किलोमीटर के, जैसा कि हम लोगों ने पहले देख चुके हैं। बट दोस्तों जब आप फिट में चेंज करोगे तब भी 5280 फिट आ रहा है, और जब इसमें करोगे तब आपका 1760 आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना। बस इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा उद्देश्य दोस्तों ये है कि ये हम देखते हैं हमारे से क्या गलती हो जाती है कि जल्दी से ये होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों आप इनको भी चेक करिए, और जब आप चेक करेंगे दोस्तों तो 5280 भी एक आंसर आएगा, 1760 भी आएगा, तो उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, क्लियर। अब चेंज कैसे करें दोस्तों, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, फिट में क्या होता है आपको बताया था मैंने कि एक गज हो चाहे एक यार्ड हो उसमें 3 फुट होते हैं, एक फुट में क्या होता है 12 इंच होता है, एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर, सारी चीजें मैं आपको दोस्तों क्या कर चुका हूं, बता चुका हूं, है ना। तो बस इस क्वेश्चन का जो उद्देश्य था क्या था कि बाकी यूनिट्स को भी आप चेक करें, बाकी ऑप्शंस को भी आप चेक कर लें। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे हुए, बिल्कुल सेकंड सेकंड के क्वेश्चन से सारे, और एग्जाम्स में भी ऐसे ही होने चाहिए। देखो दोस्तों पहली बात तो क्या है, जो हाइड्रोमीटर होता है किसके लिए काम में आता है, जल्दी से बताइए पहले, हाइड्रोमीटर किसके लिए काम में आता है, बाकी बात बाद में, पहले बताइए हाइड्रोमीटर किसके लिए काम में आता है। हाइड्रोमीटर दोस्तों काम में आता है, मैंने आपको बताया था, आप जानते भी होंगे, जो लिक्विड, देखिए हमने सॉलिड का रिलेटिव डेंसिटी निकाला था, सॉलिड यानी ठोस का हम लोगों ने अपेक्षीय घनत्व निकाला था, किससे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आपको याद है दोस्तों कि हम लोगों ने देखा था कि हवा में कितना इसका भार है और उसका पानी में डालते उसके कितने भार में कमी आई, W1 - W2, अरे याद है या नहीं है बताइए दोस्तों, आपको याद है नहीं है, याद है ना। तो हम लोगों ने किसका निकाला था, ठोस का। तो मैंने उस टाइम आपको बताया था दोस्तों कि जो हाइड्रोमीटर होता है वो क्या होता है, वो लिक्विड होता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व निकालने के काम में आता है, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोमीटर, वो क्या होता है दोस्तों आपका हाइड्रोमीटर। क्लियर, और ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, बहुत ही बढ़िया, सबका सही जवाब है ऑलमोस्ट, कित पे, बी पे। क्लियर दोस्तों, क्लियर है, हाँ बी इसका सही जवाब हो जाएगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे क्या करता है दोस्तों, वर्क करता है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से टाइम लेके सॉल्व करिए इसको, दिमाग लगा के, गलती नहीं होनी चाहिए दोस्तों, आराम से। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि धातु के दो टुकड़े हैं, जल में डुबोने पर समान उत्प्लावक बल लगता है, तो क्या बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है कि धातु के दो टुकड़े हैं, जल में डुबोने पर समान उत्प्लावक बल लगता है। इफ टू पीसेज ऑफ मेटल्स आर इमर्ज्ड इन द वाटर इफ द सेम बायंड फोर्स इज एक्टिंग, ऐसे बोल रहा है कि दो टुकड़े डालते हैं उन पे, दोनों पे सेम बायंड फोर्स लग रहा है, सेम समान उत्प्लावक बल लग रहा है, तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बताइए। ठीक है, कोई बच्चे बोल रहे हैं समान गहराई पे, अच्छा समान गहराई तो कैसे होगा दोस्तों, समान गहराई से मतलब थोड़ी, मैंने आपको क्या बताया था, बायंसी फोर्स क्या होता है, बायंड फोर्स क्या होता है, उत्प्लावक बल क्या होता है, जो भी पानी में डालेंगे वो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा उसका भार। क्लियर दोस्तों, तो जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस्ड होगा दोस्तों उसका भार, तो mg लेना है किसका, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का यानी विस्थापित द्रव का, जैसे हम लोग चीज डालेंगे तो जो द्रव विस्थापित होगा उसका भार। मास क्या होता है दोस्तों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। क्लियर, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। अब दोनों में जल में डूबो रहे हैं तो डेंसिटी दोनों के लिए सेम है, जल की इसके लिए भी सेम है, जो अंतर आएगा दोस्तों काई में आएगा, वॉल्यूम में आएगा, आयतन में आएगा, वॉल्यूम में आएगा, आयतन में आएगा। क्लियर, तो अगर ये दोनों का समान है तो दोनों पे बायंटिक फोर्स भी कैसे होगा दोस्तों, समान होगा। हाँ, तो अब आपका आंसर आ जाना चाहिए दोस्तों, कितना होगा, सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
क्लियर दोस्तों, चले आगे। और साथ में बता दूं, कल आपको पता है पटना मीटअप है, हम लोग आपसे मिलने आ रहे हैं पटना में, तो आपको जरूर आना है दोस्तों, क्योंकि आपसे मिलके हमको बहुत खुशी होगी। आज तक हमने केवल कैमरे पे देखा है, हमने भी आपको तो देखा ही नहीं, आपने तो फिर भी हमको देखा है, तो हम भी आपको देखना चाहते हैं दोस्तों। तो जरूर आइएगा, कल मिलेंगे सुबह 9 बजे, पाटलिपुत्र होटल है एग्जोटिक रोड पे। क्लियर दोस्तों, तो जरूर हम लोग वहां मिलेंगे और आगे भी धीरे धीरे करके इंडिया की सभी सिटीज क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल चुटकियों में आंसर आना चाहिए, बिना टाइम वेस्ट करे हुए बिल्कुल चुटकियों में। क्लियर, क्या होता है जल्दी से बताइए, वस्तु का घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सिंपल बात है, कोई भी इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, वो होता है रिलेटिव डेंसिटी यानी अपेक्षिक घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व दोस्तों क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आपको पता है किसी भी बॉडी का आप डेंसिटी, किसी भी बॉडी का दोस्तों घनत्व, और नीचे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व दोस्तों कितना है, जल्दी से बताइए। ठीक है, हाँ दोस्तों लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, मैं चला के रेलवे वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हम ऑलरेडी लेवल बढ़ा चुके हैं, सब न्यूमेरिकल वगैरह सभी तरह के हम लोगों ने करे हैं। क्लियर दोस्तों, चलते हैं आगे जल्दी से दोस्तों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी से, किसी वस्तु की अधिकतम चाल हो सकती है, किसी वस्तु की अधिकतम चाल हो सकती है, जल्दी से बताइए। और दोस्तों पहला क्वेश्चन जो मैंने काटा था उसमें इंग्लिश वाला, तो आपको ध्यान रखिए वो गैलन नहीं होता है एक घन फुट में, लेकिन मैंने इसलिए आपको उसमें बता दिया, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि जो एक घन फुट होता है वो क्या होता है, गैलन होता है, वो क्या होता है दोस्तों, गैलन। तो बेसिकली वो ही पूछ रहा था कि एक गैलन में कितने लीटर होता है। क्लियर दोस्तों, जो भी क्वेश्चन था एक घन फुट में, क्वेश्चन में एक बार वापस देख लेता हूं, मैं थोड़ा मिसमैच कर रहा हूं, क्वेश्चन देख लूंगा वापस। क्लियर, आप इसका जवाब दीजिए। देखो दोस्तों आपको पता है जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा किसकी होती है दोस्तों, लाइट की होती है। क्लियर, लाइट से ज्यादा किसी की नहीं है। और लाइट की कितनी होती है दोस्तों, अगर बात करूं मैं एयर में या वैक्यूम में, या वैक्यूम में यानी वायु में और निर्वात में सबसे ज्यादा होती है प्रकाश की किरण की दोस्तों, कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर दोस्तों, अगर दोस्तों मैं बात करूं ग्लास में यानी कांच में कितनी होती है प्रकाश के किरण की चाल दोस्तों, वो होती है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों अगर मैं बात करूं पानी में कितनी होगी, वाटर में कितनी होगी, वाटर में कितनी होगी दोस्तों, 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे मैक्सिमम, जो मैक्सिमम लाइट की रे होती है किसमें होती है, एयर में होती है, वैक्यूम में होती है, कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, इससे ज्यादा किसी की दोस्तों नहीं हो सकती। क्लियर, तो 3×10⁸। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, चुटकियों में आंसर आना चाहिए, बिल्कुल चुटकियों में, जल्दी से दोस्तों जल्दी से बताइए। देखिए एक वस्तु का प्रारंभिक वेग इतना दे रखा है, 5 सेकंड के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए, जबकि त्वरण की दर दोस्तों कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जल्दी से बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, आप देख लेना दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन रोजीना करेंगे, 50-50, 60-60 क्वेश्चन, तो देख लेना मजा आ जाएंगे आपको। ए ए ए आ रहा है सबका, चलो देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है नहीं है। तो देखो प्रारंभिक वेग कितना दे रखा है, यू आपको दे रखा है दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या दे रखा है, देखो टाइम दोस्तों कितना दे रखा है, 5 सेकंड का आपको टाइम दे रखा है, और क्या दे रखा है दोस्तों कि त्वरण दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी तय करेगा, जस्ट फॉर्मूला सिंपल है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 20, समय की 5, प्लस 1/2, त्वरण की दोस्तों 2, और टाइम की कितनी देर की, 5×5 दोस्तों 25, तो 2 से 2 गया, 20×5 दोस्तों कितना हो जाएगा, 100+25 125, बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आपको, थम्स अप कर दीजिए एक बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो, और ना ही होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। मैं दोस्तों पहले ही बोल देता हूं, मैं यहां पर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आपको इधर समझा नहीं रहा कि ये होता है एक्सीलरेशन, ये होता है। क्लियर, क्योंकि यहां पर चल रहा है दोस्तों टेस्ट। चलते हैं आगे,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देना स्टार्ट करिए जल्दी से। और दोस्तों सेशन को लाइक करते रहिए आप। किसी का आ रहा 2.25 सी। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों आपको क्या बोल रखा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही रेलगाड़ी को ब्रेक लगाकर एक समान दर पर रोका जाता है। एक समान दर पर मतलब जो त्वरण है, एक्सेलेरेशन है दोस्तों, वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्लियर। रेलगाड़ी 3 सेकंड चलने के पश्चात विराम में आ जाती है दोस्तों, यानी उसकी जो अंतिम वेग है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों कितनी रखी आपको, 15 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड में दोस्तों रुक जाती है। तो आप जानते हो दोस्तों वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0। यू आपको कितना रहेगा, 15, प्लस ए टी की वैल्यू आपको दे रखी 3। तो दोस्तों एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -15/3 बोले तो -5। -5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि मंदन हो रहा है। ऑब्वियसली दोस्तों मंदन होगा तभी तो रुकेगी, रिटार्डेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन करते तो स्पीड बढ़ जाती। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण की वैल्यू हमारे पास आ गई -5, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। अब क्या बोल रहा है कि उससे पहले कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा दोस्तों, तो एक समीकरण हमारे पास ये भी होता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बताइए दोस्तों फाइनल वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी, और इनिशियल वेलोसिटी दोस्तों आपको कितनी दे रखी है, 15 का स्क्वायर दोस्तों 225। क्लियर। प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, -5 इंटू एस। तो s की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी आपके पास, 225/2 × 5 = 10। तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों 22.5 मीटर। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। चले आगे चलते हैं। देखो जल्दी से चुटकियों में आंसर दीजिए, जल्दी से। तो दोस्तों आपका जवाब आ रहा है डी, सही है बिल्कुल, बहुत बच्चों का सही है। अरे सी, चलो सही बात है, सी भी हो सकता है। देखो दोस्तों जो बल होता है, मान लीजिए बॉडी है, कोई भी एक पिंड है, कोई भी एक वस्तु है, आपने दोस्तों इस पे फोर्स लगाया, और इसका द्रव्यमान दोस्तों मान लीजिए एम है, तो एफ इजिकल्स टू क्या होता है, एम ए। तो दोस्तों यदि आपने फोर्स लगाया तो उसमें ए अमाउंट का क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। त्वरण आएगा तो दोस्तों वेलोसिटी बढ़ जाती है, और अगर फोर्स इधर लगाओ तो वेलोसिटी घट भी सकती है। क्लियर। तो चाल में परिवर्तन कर सकता है दोस्तों, दिशा में परिवर्तन कर सकता है, क्या बिल्कुल कर सकता है, भाई ऐसे जा रहा है, आपने फोर्स इस साइड लगा दी तो उस साइड मूव करने लग जाएगा, दिशा में भी कर सकता है। शेप में कर सकता है, क्या बिल्कुल कर सकता है दोस्तों, आपने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, तो ये कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा दोस्तों। तो सभी विकल्प सही है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। आगे चलते हैं। बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, आप बोलोगे सर कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन देखे हैं मैंने रेलवे के आपके, है ना, बहुत सिंपल आएंगे, आप टेंशन मत लेना, अपने अच्छे लेवल का पढ़ा है, और भी अच्छे लेवल का और पढ़ेंगे, कहीं से भी पेपर आ जाए अटकना नहीं चाहिए दोस्तों। बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, जल्दी से बताइए, सिंपल यार, बचपन से पढ़ने आता है, क्या होता है, क्योंकि घर्षण का अभाव होता है, लैक ऑफ फ्रिक्शन, उधर फ्रिक्शन नहीं होता है। क्लियर। तो फ्रिक्शन दोस्तों जितना ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है, नुकसान कैसे, फ्रिक्शन मशीनों में होता है, तो हमारी उसकी दक्षता जो होती है, एफिशिएंसी क्या होती है दोस्तों, कम हो जाती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन बर्फ पे नहीं होता, इसलिए हम लोग उस पर चल भी नहीं पाते। क्लियर दोस्तों। तो घर्षण का अभाव। लैक ऑफ फ्रिक्शन। जड़त्व। देखिए जड़त्व क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, बिल्कुल सिंपल। जड़त्व मतलब एक मान लो डीटपन है ना, अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में, तो रेस्ट में रहेगी किसके कारण, जड़त्व के कारण, उसके इनर्शिया के कारण। क्लियर। लेकिन इधर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जो बर्फ पे किसकी वजह से नहीं चल पाते हम लोग, घर्षण के अभाव के कारण। क्लियर दोस्तों। चले आगे चलते हैं, जल्दी से बताइए, संपीड़ित कमानी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है, जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग होती है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, जो स्प्रिंग कंप्रेस्ड होती है कौन सी होती है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बी 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 कहां से आ गया,
सही है, सी सी सी। देखो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। मैंने आपको बताया था मान लो कोई स्प्रिंग है, अगर दब जाती है तो इसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण। तो इसकी स्थिति में चेंज हुआ तो इसमें क्या होता है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा। तो मान लीजिए अगर एक्स कंप्रेशन होता है तो कितना हो जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये बताया था नहीं बताया था, सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सी स्थितिज ऊर्जा। क्लियर, सही है, चलते हैं आगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी था अगर आपने क्लास ली हो तो। दोस्तों जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ये क्या बोल रहा है, 4 किलोग्राम और 9 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो उनके वेगों का अनुपात। बहुत बढ़िया, चलो देखते किसी के बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। देखो देखिए दोस्तों क्या होगा, आपको क्या दे रखा है, दो की गतिज ऊर्जा सेम है। तो मान लीजिए हाफ एम वन वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम टू वी टू स्क्वायर। पहले वाले को मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दूसरे वाले को 2 से। तो 1/2 से 1/2 गया। एम वन कितना दे रखा है, मास 4 इंटू वी वन स्क्वायर, दूसरे वाले का द्रव्यमान 9 इंटू वी टू स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से वी वन स्क्वायर अपॉन वी टू स्क्वायर क्या जाएगा, 9/4। और जब v1 अपॉन v2 करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, दोनों साइड अंडर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/2 बताइए, 3/2 आंसर आ जाएगा, बताइए दोस्तों। क्लियर, क्लियर, चलते हैं आगे। दोस्तों बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर दीजिए, जल्दी से 2 सेकंड में। चालक का प्रतिरोध कब बढ़ता है दोस्तों, रेजिस्टेंस कब बढ़ता है दोस्तों, जल्दी से बताइए, जल्दी से। बिल्कुल सिंपल यार, मैंने आपको फिजिक्स में भी बताया था, फिजिक्स वाली क्लास में बताया था, कल भी मैंने आपको बताया था कि R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। ठीक है दोस्तों, तो अगर लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मैंने आपको फिजिक्स की क्लास में बताया भी था कि कैसे बढ़ता है दोस्तों, तो चालकता की लंबाई बढ़ जाती है, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर चालकता बढ़ेगी तो दोस्तों प्रतिरोध तो बढ़ ही नहीं सकता, चालकता कब बढ़ती है, चालकता का मतलब इजीली उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें तो प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। क्लियर दोस्तों, ए ऑप्शन हो जाएगा, अगर ये विशिष्ट प्रतिरोध कम हुआ तो रेजिस्टेंस कम और हो जाएगा, तो ए इसका ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, ये चीज शायद मैंने नहीं बताई थी इसलिए मैंने यहां पर कवर कर ली कि चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है, जो कंडक्टेंस होता है दोस्तों उसका एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइए। ठीक है, आपको याद है कंडक्टेंस क्या होता है, 1/ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, बिल्कुल आपको बता चुका हूं मैं सारी चीजें। तो दोस्तों याद रखिए, जो इसकी एसआई यूनिट्स है, पहले हम मतलब पहले बोलते थे यूनिट इसकी ओम है, मोह है, सॉरी मोह है, लेकिन ध्यान रखिए इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है सीमेंस। क्या होती है दोस्तों, सीमेंस होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, सीमेंस, बस इतना सा याद रखिए। वैसे आपको पता भी होगा सही जवाब आपका सभी का बी, मो नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूं ऑप्शन में आए सीमेंस, सीमेंस ही करना है, सीमेंस ही करना है आपको, ऐसा यूनिट अब यही है सीमेंस। क्लियर दोस्तों, चले आगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यदि प्रतिरोध 1500 ओम का है और विद्युत धारा 0.08 एम्पियर है तो शक्ति का मान बताइए, जल्दी से, जल्दी से दोस्तों। आपको फॉर्मूला याद है नहीं है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फिजिक्स में मैंने बताया था पावर क्या होता है दोस्तों, V इंटू आई, और V क्या होता है, आई इंटू आर इंटू आई कर दोगे दोस्तों पावर क्या जाएगा, आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 0.08 एम्पियर, क्या मैं 8/100 लिख सकता हूं, तो स्क्वायर करना है यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8/100 इंटू 8/100। रेजिस्टेंस दोस्तों कितना है, प्रतिरोध कितना है दोस्तों, 1500 ओम का। क्लियर, बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गया। क्लियर, अब क्या जाएगा, 5 से ये गया 3 बार में, 5 से गया दोस्तों 20 बार में, तो अब क्या बचेगा, 4 से गया दोस्तों 2 बार में, 4 से गया 5 बार में। क्लियर, तो यहां पर कितना बचेगा दोस्तों, 8 × 2 = 16, 16 × 3 = 48 और नीचे दोस्तों 5। तो जब ये करोगे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा
देखो अगर ये 50 होता ऊपर तो 50 बटे 5 10 आता, 50 से थोड़ा सा कम है यानी 10 से थोड़ा सा कम दोस्तों 9.61 ऐसे देखिए। अरे 48 बटे 5 अगर 50 बटे 5 होता 10 आता लेकिन ऊपर 48 ये 10 से थोड़ा कम आएगा आंसर 9.61। क्लियर, चले बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल जल्दी से जवाब दीजिए 2 सेकंड के अंदर, मैं टाइम नहीं दूंगा इसमें 2 सेकंड का भी, क्योंकि बहुत सिंपल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट, कल ही बताया था आपको जो डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों कितनी होती है, ए ए ए ए, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। कितनी होती है दोस्तों, शून्य होती है, 0 हर्ट्ज होती है डायरेक्ट करंट की, डिस्ट्रिक्ट धारा की। क्लियर दोस्तों, चले आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से बताइए, जल्दी से, किसी विद्युत वाहक बल को इसमें से किन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जल्दी से बताइए। देखो जिन्होंने फिजिक्स वाली क्लास ली है वो इजीली बता देंगे दोस्तों, मैंने वहां पर भी बताया था। पहली बात बताता हूं, मैं तो कुछ और बात बता रहा हूं, जब तक कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या होता है, एक फोर्स नहीं है जबकि, है ना, एक फोर्स नहीं, उसको नाम दे दिया फोर्स का। ये क्या दोस्तों, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, अधिकतम विद्युत विभवांतर कितना है जब करंट कोई भी पास नहीं हो रही दोस्तों, तो वो क्या होता है दोस्तों, विद्युत वाहक बल होता है। और ये सेल से भी आ सकता है, बैटरी से भी आ सकता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सभी से, ठीक है, क्योंकि ये होगा तो ये भी होना चाहिए था, ये होता तो ये भी होना चाहिए था, फिर मतलब जनित्र से भी आता होगा, और आता है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी से। क्लियर, तो दोस्तों ये छोटा सा सेशन था, चाहता तो हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर सकता, लेकिन फिर वही 2 दिन की हमारी छुट्टी आती है, तो अब जो नया टॉपिक होगा दोस्तों हम लोग मंडे से पढ़ेंगे, 2-3 चैप्टर बचे हैं, बिल्कुल उसमें पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हुआ, उसको देखना आप, इतना बच्चों जैसा खेल लगेगा। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा छोटा सा सेशन। क्लियर, तो ज्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूंगा आपका, आपको भी बाकी के जितने भी चैप्टर हो चुके हैं रिवीजन करिए, मंडे से हम लोग नया चैप्टर क्या कर देंगे दोस्तों, स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों आज का इतना काफी है, और मैं फिर बता देता हूँ, कल अपना मीटअप है पटना में, तो आपको जरूर आना है, 9:00 पाटलिपुत्र होटल है एग्जॉटिक रोड पे। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलते हैं मंडे को, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, धन्यवाद।